हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड लैंड। आई होप आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे और इन रेसिपीज़ की राह देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक पनीर, वो भी बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। तो ये इतनी फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत लजीज लगती है। तो चलिए बिना किसी वेट के हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसके अंदर हमने डाल लेना है देसी घी। तो यहाँ पर घी का ही यूज़ कीजिएगा तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो 3 चम्मच यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और इसमें हम डालेंगे कुछ टुकड़े अदरक के। अब इसके अंदर मैंने डाल लिए हैं 8 से 9 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च। तो लहसुन आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज डाल लिया है और इसमें 1/2 चम्मच हींग डालकर इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। और बस हमें इसे बहुत नहीं भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसे हमें सौते कर लेना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है और इसमें हमने ऐड कर देना है धुला हुआ पालक। और बस अब इसे हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो बस अब आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं कुक करना है वरना पालक का कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा। और बस अब हमें इसकी बिल्कुल फाइन प्यूरी बना लेनी है। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसमें हमें डालना है थोड़ा ज़्यादा सा बटर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच काली मिरी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक। और अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें ऐसे बबल फॉर्मेशन हो चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो इस स्टेप पर इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम पनीर। तो पनीर को इस तरह से काट लीजिएगा क्यूब्स में और इसमें इसे अच्छी तरह से कंबाइन कर लीजिएगा। तो मसाला और पनीर इसमें अच्छी तरह से जब हम भून लेंगे तो इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ढाबों पर ये इसी तरह से बनता है, मैंने खुद एक बार देखा है तभी मैंने ये रेसिपी सीखी है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही झटपट बनाने का तरीका है, तो ये आप बनाइएगा ज़रूर। तो इस स्टेप पर हम इसमें ऐड कर लेंगे पालक की प्यूरी। तो ये देखिए इस तरह से प्यूरी हमें बनानी है और आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना शानदार है, बिल्कुल भी कलर इसका चेंज नहीं हुआ है। और बस इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कटोरी पानी। तो पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने खाने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी पतली खाना पसंद करते हो सब्जी तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। बस मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस हिसाब से इसमें नमक भी ऐड करें। और बस अब हमें इसे अच्छी तरह से कुक होने देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा इसे कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दही और 1 चम्मच मलाई। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है और 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है नमक। और बस इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और 2 मिनट के लिए इसे हम और होने देंगे और हमारी पालक पनीर बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है पालक पनीर बनाने का, तो आप ज़रूर बनाइएगा। हम इसकी जब तक प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना झटपट मेथड है ये पालक पनीर बनाने का और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए मैं फटाफट इसे सर्व कर लेती हूँ। तो आप भी बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय।